Fight through, 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 f
वाहेगुरु वाहेगुरु सबते पयो दास जे
सब ते पयो दास जे माया ममता ते जी सब ते पयो दास ओ नानक सुन रे मना तेह कट ब्रह्म निवास ओ नानक सुन रे मना प्राणी हो मैं तजी करता राम पछान प्राणी हो मैं तजी करता राम पछान जय प्राणी हो मैं तजी करता राम पछान नर तो नानक वो मुक्त नर ए मन साची मान को नानक वो मुक्त नर ए मन साची मान वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहेगुरु 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 पैना संदूर मत हरन कल में हर को नाम पैना संदूर मत हरन इस दिन जो नानक पजे सफल हो है ते काम इस दिन जो नानक पजे सफल हो है ते काम गुण गोविंद गायो नहीं जन्म अकार दिकीन गुण गोविंद गायो नानक हर पज मना जे विद जल को मीन ओ नानक हर पज मना जे विद जल को मीन गुण गोविंद आयो नहीं जन्म भारत के गुण गोविंद आयो गुण गोविंद गायो नहीं गुण गोविंद गायो नहीं गुण गोविंद गायो नहीं गुण गोविंद गायो नहीं जन्म कारथ कीन जन्म कारथ कीन पै काहू को देत ने नह पैमान त्यान पै काहू को देत ने नह पैमान त्यान सच्चे पातशाह जी दी बख्शिश सात संगत मेरे गुरु तेग बहादुर साहब महाराज सिर ते हाथ रख के अपनी ये पावन पवित्र बाणी सलोक महल्ले नौवे दे सात संगत विचार सतगुरा ने आरंभ करवाई ते आप बुद्ध बल बख्श के सात संगत जी सेवा ले रहे हैं। अज
16वें श्लोक दी विचार सतगुरु जी सिर ते हाथ रख करवा रहे हैं। ते इस तो पहला श्लोक क्योंकि दास ने अगे भी एक गल कही है कि इन्नी प्यारी बनतर इस बाणी दी सत्संग दो दो लाइना दे श्लोक ने ते दो लाइना दे श्लोक दे च पूरा पूरा कंसैप्ट समाया होया पूरा पूरा सब्जेक्ट है पूरा पूरा सब्जेक्ट ए ओ बाणी है सात संगत पूरे गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी का जड़ा ज्ञान है ना ज्ञान पूरे गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी का ज्ञान उदा नचोड़ सात संगत इस श्लोक महले नौ में श्लोक महले नौ हर श्लोक की बणतर ऐसी बनाई है कि एक दूजे नूं अटैच रखे एक सब्जेक्ट तो दूसरे सब्जेक्ट दे विच भी जाना है ना सब्जेक्ट भावे बदल रहा पर अटैचमेंट दे थ्रू सत्संग इहने कि पिछला विशा कुछ होर सी अगला होर है और कोई लिंक नहीं जोड़ रहा सब्जेक्ट बेशक बदल जाता है अगले श्लोक दे विच पर अटैचमेंट रखी है सतगुरां ने कि जिथे पिछले श्लोक की थीम खत्म होती है उही थीम नूं अगे चुक के अगले श्लोक दे विच अगले विषय दे विच अगले श्लोक दे नहीं अगले विषय दे विच सात संगत सतगुरां ने बख्शिश की। देखो कितनी प्यारी बणत है कितनी प्यारी 15वें श्लोक दे विच सतगुरां ने कहा सी कहिंदे हरख सोक जाके वैरी मीत समान कहो नानक सुन रे मना मुकत ताहे तै एक अवस्था का जिक्र किया गया सी 13वां श्लोक 14वां श्लोक ते 15वां श्लोक ये तीनों श्लोक सत्संग मुक्ति दे उपर मुक्त दे उपर एक ऐसी प्यारी अवस्था है जिस अवस्था दे विच आके सत्संग ना सुख है ना दुख है ना उस्तत ना निंदिया ना हरख ना सोख कुछ भी जीवन दे विच वरत रहा खेड़े च साई दे हुक्म दे अंदर साई दी मौज दे अंदर रंग माणदा पिया हर अवस्था दे विच आखो सतनाम हर समय हर हालात दे विच साईं दे रंगां दे विच मस्त है कौ नानक सुन रे मना मुक्त ताहे ते ओ मुक्त है जदों इहो जे रंग दे विच कोई विचरदा है जदों इहो जे रंग दे विच कोई विचरदा है कि प्रभु दियां यादां दे विच वाहिगुरु जी दे सिमरन दे विच ते दास ने अगे भी एक गल कही है कि वाहिगुरु जी दे गुण सहजे सहजे नाम जपण वाले दे विच समाए जांदे ने समाए हुण इथों सतगुरु शुरू कर रहे ने कहिंदे जदों इह प्यारी अवस्था दे विच उह खेड खेड रहा सी ते एक बड़ा प्यारा गुण वाहिगुरु जी दा इहदे अंदर सहजे सहजे समंद आ गया उह किहड़ा गुण सी निरभउ आखो सतनाम वाहिगुरु जी निरभउ ने ते सहजे सहजे ए भी निरभउ हो गया ते इथों हुण सतगुरु जी देखो कंसैप्ट चेंज होया कंसैप्ट चेंज होया पर लिंक्ड दे विच लिंक्ड दे विच हुण अगला श्लोक सतगुरु जी कहिंदे ने पै काहू को देत ने नह पैमान त्यान नह पैमान त्यान तै कहूं को देत नह नह पैमान त्यान ना ए किसी नू डर देंदा ना किसी दा डर मंदा निरभउ हो गया डर तो रहत हो गया बड़ा प्यारा श्लोक और एदी विचार सात संगत दास थोड़ी जी खोलना चाहते थोड़ी जी क्योंकि
निर्भौ नू जपिया, निर्भौ वाले गुण अंदर आ गए। हुण अवस्था की बन गई, पै काहू को देत ने, ने पै मानत आन, ना किसी का डर कबूलदा ते ना किसी नू डर देंदा है। हुण इस अवस्था च खेड़दा कहो नानक सुन रे मना ज्ञानी ताहे बखान। कहिंदे ओ असल ज्ञानी है जिन्हों इस चीज का ज्ञान हो गया, जिदी अवस्था इस ज्ञान ते आके टिक गई कि ना डर देना ना डर मनना। हुण सुनियो ध्यान दे नाल साथी, पहले डर देण दी गल करदे आ। पै काहू को देत ने, पै काहू को देत ने, पहले गल इहदी करी। जितनी मर्जी इहदे कोल ताकत आ गई, जितनी मर्जी इहदे कोल ताकत आ गई, भावें उह ताकत दुनियावी सी, भावें उह ताकत दरगाही सी। सुणियो ध्यान, भावें उह ताकत दुनियावी, भावें उह ताकत दरगाही, इह पै देंदा नहीं। नहीं तां अज थोड़ी जी ताकत आ जावे, दुनियावी ताकत ही आ जावे, कुछ लीडरां दे नाल मेल जोल हो जावे, ते सीना चौड़ा करके साथ संगत तुरिया फिरदा, ते वंडदा की है डर। आखो सतनाम, डर दिखांदा की है डर, रुतबा दिखांदा है सस। अगर किसी नाल थोड़ी बहुत अनबन होंदी ते डर डर साथ संगत अपने अंदरों उहदे कोल भेजदा, डराउंदा फिरदा है मेरे कोल ताकत दा ही सत्संगत माण है ताकत। ते जे दूजे पासे आ जाओ, जे अध्यात्मक मंडल दी उड़ारी मार ली, कुछ गल बन गई, कुछ ताकत आ गई है जी, फिर बाबा नानक सिंह जी कहिंदे सन बड़ी वड्डी खाई है, बड़ी वड्डी खाई है, ये ताकत जरनी बड़ी औखी है। नाम जपोगे रिद्धियां सिद्धियां आ जाणगियां, क्योंकि ये तो पिछे लगदियां फिरदियां ने, जो हर हिरदे सदा विसार, नव निधि 18 सिद्धि पिछे लगियां फिर है, जो हर हिरदे सदा विसार। तुसी भजन करोगे उस निर्भौ दे विच जुड़ोगे, देखो ताकतां तां आणगी, जो बोलोगे सिद्ध हो जाना, ये ताकतां आ जांदियां सुते सिद्ध, पर ये ताकतां आके भी सात संगत बंदा नीवा रवे, ये बड़ी गल है। आखो सतनाम, तान होंदे होए निताणा, तान कहिंदे ताकत नूं, तान होंदे होए निताणा, ये कोई विरले सात संगत विरले ही किसी विरले दे हिस्से दे ये खेड आंदी, नहीं तां ओ सिद्ध सन, नहीं तां ओ भी सिद्ध सन, कीती बंदगी कीती इबादत कीती भगती, और भगती चो मिल गई शक्तियां, ते दुनिया दे अपना माण वधाण पिछे अपनी ताकतां दिखांदे फिरदे सन, डरा डरा के लोगों नूं रखना मेरे अंदर आ ताकत है, कहना नहीं मनोगे तो इदां कर दांगे, कहना नहीं मनोगे तो इदां कर दांगे, ना 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 ना। साईं कहिंदे निर्भौ नूं जपिया ते देखो फिर निर्भौ ही हो गया। को सतनाम, वाहेगुरु। निर्भौ जपै सगल भौ मिटै, निर्भौ जपै सगल भौ मिटै। साईं साईं कहिंदे ने देखो निर्भौ नूं जप के निर्भौ हो गया। कदे रब ने किसी नूं डर दिता दसो, कदे सतगुरु जी ने किसी नूं डर दिता? सारियां ताकतां कोल ने, आत्मक ताकत भी संसारक ताकत भी, सब कुछ होंदिया ओ चांदे खिनचे विच सात संगत तत्ती तवी ठंडी कर सकदे सन, चांदे कुछ भी कर सकदे सन, जे
ਤੱਤੀ ਤਵੀ ਤੇ ਬੈਠੇ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਜੀ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਹੁਕਮ ਕਰੋ, ਦਿੱਲੀ ਲਾਹੌਰ ਇੱਟ ਨਾਲ ਇੱਟ ਖੜਕਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਕੀ ਸਤਿਗੁਰ ਨਹੀਂ ਖੜਕਾ ਸਕਦੇ ਸੀ? ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਤਾਕਤਾਂ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਜਰਿਆ ਸੱਸ ਨੂੰ ਜਰਿਆ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਨਿਰਭਉ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਫਿਰ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਉਹੀ ਅਵਸਥਾ ਅੰਦਰ ਬਣੇਗੀ ਨਾ ਜੀ। ਨਾ ਉਹ ਡਰ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਡਰ ਮੰਨਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਡਰ ਮੰਨਦਾ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਆ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਜਿਨ ਨਿਰਭਉ ਜਿਨ ਹਰ ਨਿਰਭਉ ਧਿਆਇਆ ਜੀ, ਜਿਨ ਨਿਰਭਉ ਜਿਨ ਹਰ ਨਿਰਭਉ ਧਿਆਇਆ ਜੀ, ਤਿੰਨ ਕਾ ਪਉ ਸਭ ਗਵਾਸੀ, ਤਿੰਨ ਕਾ ਪਉ ਸਭ ਗਵਾਸੀ। ਜਿਨ ਨਿਰਭਉ ਜਿਨ ਹਰ ਨਿਰਭਉ ਧਿਆਇਆ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਨਿਰਭਉ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਕਿਹਾ, ਉਸ ਨਿਰਭਉ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਧਿਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਤਿੰਨ ਕਾ ਭਾਉ ਸਭ ਗਵਾਸ, ਨਹੀਂ ਡਰ ਮੰਨਦੇ ਜੀ ਕਿਸੇ ਦਾ, ਨਹੀਂ ਡਰ ਮੰਨਦੇ। ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਡਰ ਖਾਲੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਨਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਬੜੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਡਰ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਪਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਭਟਕਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਤੇ ਵਹਿਮਾਂ ਦਾ ਡਰ, ਕਿਤੇ ਭਰਮਾਂ ਦਾ ਡਰ, ਐਸੇ ਡਰ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਪਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਡਰਾ ਡਰਾ ਕੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਤੋੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੋੜਿਆ ਜਾ। ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਡਰ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪਿੱਛੇ ਦੀਵਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪਖੰਡੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਪਖੰਡੀ ਵਰਤਿਆ, ਪਖੰਡੀ ਧਰਮ ਦਾ ਚੋਲਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਾਇਆ ਪਰ ਪਖੰਡ ਹੈ ਅੰਦਰ, ਮਾਇਆ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਪਤ ਨੇ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਜੋੜਦੇ ਨੇ? ਬਸ ਡਰ ਪਾ ਪਾ। ਦੇਖੋ ਹਰ ਜੀਵਨ 'ਚ ਦੁੱਖ ਹੈ ਸੁੱਖ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਆਉਣਾ ਹੀ ਆਉਣਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਦੁੱਖ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਲੰਬਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਐਸੇ ਪਖੰਡੀ ਦੇ ਵਸ ਅਗਰ ਕੋਈ ਫਸ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਸੁਣਿਓ, ਫਿਰ ਉਹ ਪਖੰਡੀ ਪੂਰਾ ਲਾਭ ਲੈਂਦਾ। ਡਰ ਦੇ ਦੇ ਕੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚੁੰਗਲ 'ਚ ਫਸਾਈ ਰੱਖਦਾ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ, ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਤਾਂ ਆਹ ਸਾੜ ਸੱਤੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਤਾਂ ਆਹ ਸਾੜ ਸੱਤੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਆਹ ਹੋ, ਕੀ ਕਰੀਏ ਜੀ? ਆਹ 5100 ਰੁਪਇਆ ਲੱਗੇਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ, ਆਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਆਹ 10,000 ਲੱਗੇਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ, ਆਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਇੱਦਾਂ ਚੁੰਗਲ 'ਚ ਫਸਾਉਂਦੇ। ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਲੈਕ ਆਫ ਨੌਲੇਜ ਕਰਕੇ, ਸਮਝ ਦੀ ਘਾਟ ਕਰਕੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਅਸੀਂ ਠੱਗੇ ਜਾਂਦੇ। ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆਈ, ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਡੇ ਭੈਣ ਜੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਭੈਣ ਜੀ ਨੇ, ਜਤਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ, ਦਾਸ ਨੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਇਹ ਜ਼ਿਕਰ ਲਾਇਆ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਚਿਕਨ ਬੋਕਸ ਨਿਕਲਾਇਆ ਜੀ। ਮੈਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ 'ਚ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਚਿਕਨ ਬੋਕਸ, ਉਦਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਮਾਤਾ, ਛੋਟੀ ਮਾਤਾ ਵੱਡੀ ਮਾਤਾ। ਹੁਣ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੀ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਦੱਸੋ ਕੀ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਮੰਦਰ ਲੈ ਜਾਓ, ਇਹਨੂੰ ਝਾੜੂ ਫੂਕਾ ਕਰਾਓ, ਝਾੜਾ ਕਰਾਓ, ਮਾਤਾ ਨਿਕਲ ਆਈ, ਮਾਤਾ ਨੇ ਫਿਰ ਇੱਦਾਂ ਦੁੱਖ ਦੇਣਾ। ਮਾਂ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮਾਂ ਦੁੱਖ ਦੇਵੇ? ਅਗੋ ਸਤਨਾਮ, ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ। ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਮਾਂ ਹੋਈ ਜੀ? ਮਾਂ ਹੋਵੇ ਤੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਰਵਾਵੇ? ਜਦੋਂ ਚਿਕਨ ਬੋਕਸ ਨਿਕਲਦਾ ਬੜੀ ਸੜਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮਾਤਾ ਨਿਕਲਦੀ ਨਾ, ਬੜੀ ਸੜਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬੜੀ ਅੰਦਰ ਤਪਸ਼ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸੱਸ ਬੜਾ ਜਲਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬੱਚਾ ਬੜਾ ਰੋਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਮਾਂ ਰੋਏਗੀ? ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਮਾਂ ਹੋਈ ਜੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਕੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ? ਸਭ ਪਖੰਡ, ਸਾਡੀ ਲੈਕ ਆਫ ਨੌਲੇਜ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਭਰਮਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਭਰਮਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਸਿੰਪਲੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇੱਕ ਵਾਇਰਸ ਹੁੰਦਾ, ਸਿੰਪਲੀ ਇਹ ਵਾਇਰਲ ਵਾਇਰਸ ਹੁੰਦਾ। ਐਸਾ ਇੱਕ ਵਾਇਰਸ ਜਿਹੜਾ ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਹੈ, ਇਹ ਵਾਇਰਸ ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲੜਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਅਸਰ ਛੱਡਦਾ ਹੈ, ਦਾਣੇ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਚਿਕਨ ਪੌਕਸ। ਔਰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਇਹਦਾ ਇਲਾਜ ਹੈ, ਮੈਡੀਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਪਰ ਇਲਾਜ ਹੈ, 10 ਤੋਂ 15 ਦਿਨ ਦੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇਲਾਜ ਬੰਦਾ ਕਰਾਵੇ ਰਾਜੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ।
राजी हो जाता पर डराया जाता ओ माता निकल आई छोटी माता वड्डी माता जिवें आप कहने वड्डे पापा छोटे पापा इदां ही कहिंदे फिरदे आ ताए नूं की कहिंदे वड्डे पापा है जी ताई नूं की कहिंदे वड्डी मम्मी छोटी मम्मी वड्डी माता छोटी माता हद हो गई नहीं संगत जी नहीं आ सुनो जदों ज्ञान हो गया सानू जदों निर्भौ दे नाल जुड़ गए ये भौ मुक जांदा ये डर मुक जांदा अब मैं भैन जी की गल दस रहा सी उन्हां दे मुंडे नूं उन्हां दे बच्चे नूं माता निकल आई हुण माता निकल आई ते सारियां ने डराता ये माता है जी बड़ा दुख होएगा तुहानूं इदां होएगा हुण जदों एक बंदा बोले दो बोले चार दस पंद्रह भी फिर बंदा किते ना किते मोल्ड हो जांदा किते ना किते जिहड़ा दृढ़ता च है ना वह भावें पंजाह बंदे बोली जाण वह कहिंदा हट पासे हो मैनूं ना भरमाओ मैनूं ना वर्ग लाओ मैं अपने गुरु के भरोसे ते बैठा हुण चलो किते ना किते बंदा डोल जांदा कहिंदे असी चले गए वह झाड़ा फूका वाले उन्होंने कुछ दित्ती पूड़ी उड़ी जी जिदा कहिंदे मेरे बच्चे का मन नहीं मनिया बच्चे का मन नहीं मने बाहर आके उन्हें पूड़ी उड़ी सुट दी नहीं खाती कहिंदा मन नहीं मनदा सी धक्के नाल लड़ा के गए उस बच्चे नूं झाड़ा कराने लई ते उन्हें कुछ झाड़ा जिदा भी वह सिस्टम होंदा झाड़ा झूड़ा किया होना नाल कुछ दिते होने पूड़ी छुड़ी खाने लई उन्हें सत्संग दा के पूड़ी बाहर सुटती बई मैं नहीं दास नूं फोन आ गया वीर जी मिलना ते जदों दास दे कोल आए दाणे निकले हो मैं कहा ये की होया बच्चे कहिंदा जी दाने निकल आए ने माता निकल आई है ते मैं कहा इलाज कराओ इहदा इलाज कराओ डॉक्टरी इलाज है इहदा कहिंदे जी इलाज भी जरूर करावांगे पर आप जी कहिंदे हो भई बाणी दे नाल मैं कहा जरूर बाणी दा भी सहारा लो अमृत वेले दा भी सहारा लो ते इलाज भी जरूर कराओ साध संगत जतेंद्र कौर जी ने आप दसिया इन्नी गुरु नानक की कृपा हुई सत्तां अठां दिनां दे विच ही साध संगत जी अमृत वेला भी संभालिया नाल जल रख लिया सी बाणी दा नेम दिता जल रख लिया वो बाणी करके साध संगत वो जल अमृत बन जांदा है जिस जल दे विच जिस पाणी दे विच बाणी आ जावे वो कम अमृत वरगा ही वो दवाई वरगा ही कम करदा है एक तां वो जल अंदर जा रहा एक दवाइयां चल रही ते साध संगत सत्तां अठां दिनां दे विच जड़ी एड्डी वड्डी वड्डी माता साध संगत जांदी गई आखो सतनाम जांदी गई और उन्होंने जड़ी एक गल दसी कमाल दी कहिंदे जी साडे रिश्तेदारी च उसी वेले दे च दो शरीरां नूं होर निकली सी कहिंदे उन्हां दी माता बहुत लंबी गई बहुत लंबी वह माता साध संगत उहदे नाल वह बीमारी दे नाल जूझदे रहे बड़ी तकलीफ च रहे बड़े औखे रहे ते कहिंदे मेरा बच्चा सत्तां अठां दिनां दे विच ही राजी होके बाहर आ गया है जी क्यों क्यों इन्हां ने एक ट्रीटमेंट कराया सुनो इन्हां ने एक ट्रीटमेंट कराया इन्हां ने बाणी दा संग कीता निर्भौ दा संग कीता ते ओह झाड़े दे विच ही पए रहे आखो सतनाम हफ्ते बाद फिर झाड़ा है जी चार दिन बाद फिर झाड़ा है जी वह झाड़ा कितने तक उन्होंने लै गया कई हफ्ते साध संगत वह चिकन पॉक्स के राही दुखी रहे ते इन्हें बाणी का सहारा लैके डॉक्टरी इलाज का सहारा लैके राजी हो गया जी क्या नॉनसेंस जीआं गल्लां आ करा लो झाड़ा डर दिता जा रहा हौली हौली साध संगत साडे मन च डर भरिया जा रहा और मैं एक गल खुले तौर पर कह देना चाहना क्योंकि लखां पुराणी ये टेपां वेखदे ने संगत जी जदों जदों तुसी अडोल दी बाणी दे नाल जुड़ोगे बाणी प्रभ की सब आप अडोल जिदा जिदा अडोल दी बाणी दे नाल जुड़ोगे अडोल होंदे जाओगे निर्भौ दी बाणी दे नाल जुड़ोगे और निर्भौ होंदे जाओगे निर्वैर दी बाणी दे नाल जुड़ोगे निर्वैर होंदे जाओगे जिदे नाल तुसी जुड़ रहे हो ना उस वाहिगुरु जी दे नाल सतगुरु जी दे नाल ओ जिहड़े गुण ओहदे विच ने ओहो गुण प्यारिया तेरे विच आ जाणगे इसलिए
साई कहिंदे जुड़ जुड़ सलोक महले नौवे तकी दी जुड़न दी कीती है। पाच जप त्या सिमर इसी चीज दे उपर जोर दिता है ते जेड़ा निरभउ दे नाल जुड़िया अज वेखो केड़ी शक्ति उहदे कोल आ गई। पै कहूं को देत ने नह पैमान त्यान नह पैमान त्यान पै कहूं को देत ने नह पैमान त्यान नह पैमान त्यान तो नानक सुन रे मना ज्ञानी ताहे बखान कौ नानक सुने रे बड़ा ज्ञानी ताहे बखान जे बिखिया सगली तजी जे बिखिया सगली तजी लियो पेख बैराग लियो पेख कमाल दी गल कीती सासन केडे कमाल दी गल कहिंदे जे विखिया सगली तजी विखिया कहिंदे ने जैर नु जैर कदे सासकत जीवन नहीं दिंदा जी जैर जदों भी देगा मौत देगा मौत देगा इन्हां औगुणां नू जहर दे समान गिणिया गया है बाणी दे विच जहर दे समान ते कहिंदे ए जहर करदे की ने अंदर काम क्रोध लोभ मोह निंदिया कपट ईरखा ए ए चीजा की करदियां ने ए आत्मक जिहड़ा जीवन अंदर आत्मक हुलारा है आत्मक आनंद आत्मक खेड़ा उहदी मौत करवा दिंदी आखो सतनाम उहनूं मार दिंदे सुका दिंदे तुहाडा आत्मक खेड़ा आत्मक आनंद ओ खेड़े जिस खेड़े च सासंग आनंद ए औगुण ए बिख करदे की ने ए जहर करदा की है अंदरले नूं अंदरले खेड़े नूं सुका दिंदा है मार दिंदा है। आ मेरे सतगुरु ताई तां मेरे सतगुरु जी कहिंदे ने आ सुनो की कहिंदे ने काम करो कपट बिखिया तज काम करो कपट बिखिया तज काम क्रोध कपट बिखिया तज ए बिखिया ए जहर इन्हां नूं जहर दे नाल तुलना कीती गई तज इन्हूं उच इन्हूं त्याग जे ए विच ने ना ए विच ने ते उस परमेश्वर तों दूरी है जेड़ा आनंद दा सोमा है जेड़ा आत्मक बल दा सोमा है उदे नाल दूरी है। काम क्रोध लोभ झूठ निंदा इनते आप छड़ो साईं कहिंदे ए पीतर ते इनको डरो आपन निकट बुलाओ ए विच ने ते सात संगत दूरियां ने दूरियां क्यों मार दिंदियां सानू ए औगुण सानू सात संगत साडा आत्मक बल खा जांदा आत्मक बल ते सतगुरु जी कहिंदे ने कर की आ कर काम करो कपट बिखिया तज काम करो कपट बिखिया तज सच नाम उर तारी सच नाम उर तारी सच नाम उर तारी सच नाम सतगुरु कहिंदे ने सच नाम उर तारी उर कहिंदे हिरदे नूं हिरदे च तार हिरदे च तार हिरदे च तार जिवें जिवें नाम नाल जुड़ेगा। एक सवाल होया सस जदों ये गल कही गई कि बिख्या तजो जे बिख्या सगली तजी लियो पेख बैराग जदों आ चीज सामने आई ते सवाल करन वाले ने सवाल करता जी मैं तजना ता चाहना सतगुरु जी कहिंदे तजो छड़ दियो
जी मैं छड़ना चाहना फिर जुगती भी तो दसो कि छो सत खाली इनी गल कर देनी छो हाँ जी इनी गल कर देनी छो कि संपूर्ण गल पर सतगुरु जी ने हर एक चीज का मार्ग दसिया दस ने की किया दो लाइना के सलोक दे संपूर्ण गल करते हैं संपूर्ण गल एक थान से सतगुरु जी कहते हैं तजना चाहना ये औगुण बिख ने ना जहर ने ते अमृत होना चाहना निर्मल होना चाहना जी पातशाह होना चाहना कहते आ फिर तेन तरीका दसदा आ तरीका दसिया की कहते बिखते अमृत हुयो बिखते अमृत हुयो नाम सतगुर मुख पणयो 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 के एक जुगत दिती है कहंदे जे चाहुंदा है अंदरों के बिख निकल जान जे बिखिया सगली तजी जे तजना चाहुंदा है फिर आ काम कर ये जुगती किन्नी प्यारी दसी बिख ते अमृत हुई भांडे अंदर गंदा पानी सी सुनियो गंदा पानी उस गंदे पानी नू बाहर कढ़ना और भांडे नू हाथ भी नहीं लाना जुगती वाले ने जुगती अपनाई उपरों उस निर्मल पानी पाना शुरू कर दिता उस गंदे पानी दे निर्मल पानी पाई गया पाई गया पाई गया पानी छलकता गया भांडे उन्हें पाना नहीं छड़िया उधर पानी छलकता गया पानी पाई गया पाई गया पाई गया उधरों पानी छलकता गया पानी पैंदा गया पानी छलकता गया एक समा आ गया और निर्मल पानी अंदर टिक गया गंदा पानी बाहर निकल गया खो सतना सतगुर जी सतगुरु जी यही जुगती सानू समझाउंदे कहते बस बेटा यही कर निर्मल बाणी अंदर पाई जा बाणी निर्मल सिमरन अंदर पाई जा पाई जा पाई जा कर सिमरन कर बंदगी जपी जा जिमें जिमें नाम तेरे अंदर जाएगा नाम अमृत अंदर जाएगा अमृत हर का नाम है ये नाम अमृत जदों अंदर जाएगा इन्हें अपनी जगह तो बनानी है इन्हें अपनी जगह बनानी ते जड़े बिख सन वह हौली हौली बाहर आने शुरू हो जाएंगे आखो सतना मैं वेखदा आ संगत विचों ही देखदा ऐसे ऐसे शरीर दास वेख रहे हैं जदों संगत तो परे सन अमृत वेले तो परे सन नितनेम तो परे सन बड़े बड़े क्रोधी बड़ा बड़ा हंकार भरिया सी आ ज्यों ज्यों संगत च बह के नाम जप रहे ने अमृत वेला संभाल रहे ने बंदगी कर रहे डे बाई डे दिन प्रतिदिन तब्दीली आती जा रही है जी आखो सतना तब्दील अब मैं गुरु की हजूरी कह रहा संगत विचों ही एक भैन ने मैनू दसिया अपने हसबेंड बारे निता प्रति रोज अमृत वेले आने वाले वो सिंह डट के सेवा करने वाले बड़ा तगड़ा हुण नितनेम बन चुका है कहिंदे जी भैण ने दस्या कहिंदे वीर जी इन्नी तब्दीली इन्हां दे अंदर आ गई इन्नी तब्दीली अगे गल गल ते खाण नूं पैंदे सन गल गल खाण नूं पैंदे सन कहिंदे हुण सहज वधदा जा रहा सुणन दी ताकत हुण इन्हां अंदर वधदी जा रही अंदरों आनंद विच ने ते घर विच वी आनंद बणिया रहिंदा अंदरों कल्पते रहिंदे सन ते घर ते कलेश पाई रखदे सन देखो अमृत वेले उठ के बिना नागा सात संगत अमृत वेले दा उन्हां दा नागा नहीं आ ओ गुरमुख प्यारे दा नागा नहीं संगत च आना सिमरन करना गुरु गुरु करना बंदगी करना ते नाम ने अपना काम तो करना ही है ना जी करना ही है ना
ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਅੰਦਰ ਜਾਏਗਾ ਇਹ ਬਿਖ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੇ ਜਾਣਗੇ, ਬਿਖ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਨੇ ਸਿੱਧਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਬਿਖ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੋਇਓ ਨਾਮ ਸਤਿਗੁਰ ਮੁਖ ਬਣਿਓ, ਬਿਖ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੋਇਓ ਨਾਮ ਸਤਿਗੁਰ ਮੁਖ ਬਣਿਓ, ਨਾਮ ਸਤਿਗੁਰ ਮੁਖ ਬਣਿਓ। ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਨਾਮ ਮੁਖ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਅੰਦਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ। ਲੈ ਕੇ ਜਾਓਗੇ ਜੀ? ਕਰਿਓ ਕਰ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹੇ ਗੁਰੂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹੇ ਗੁਰੂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹੇ ਗੁਰੂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹੇ ਗੁਰੂ, ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹੇ ਗੁਰੂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹੇ ਗੁਰੂ, ਲਿਓ ਪੇਖ ਬੈਰਾਗ, ਲਿਓ ਪੇਖ ਬੈਰਾਗ, ਹਾਂਜੀ ਲਿਓ ਪੇਖ ਬੈਰਾਗ, ਲਿਓ ਪੇਖ ਬੈਰਾਗ। ਜਿਹਨੇ ਇਹ ਵਿਖਿਆ ਤਜੀ, ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਇਹ ਜ਼ਹਿਰ ਨਿਕਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ, ਦਰਅਸਲ ਬੈਰਾਗ ਵਾਲਾ ਭੇਖ ਉਹਨੇ ਹੀ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਭੇਖ ਬੈਰਾਗ ਵੱਲ ਉਹਨੇ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ। ਬੈਰਾਗ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਘਰ ਬਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਦੁਨੀਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ। ਅਸਲ ਬੈਰਾਗ ਵਾਲਾ ਭੇਖ ਧਾਰਨ ਕਰਨਾ ਹੀ ਤੇ ਵਿਖਿਆ ਛੱਡ। ਜਦੋਂ ਜਦੋਂ ਵਿਖਿਆ ਛੱਡੇਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰੋਂ ਵਿਖਿਆ ਨਿਕਲੇਗੀ, ਜ਼ਹਿਰ ਨਿਕਲੇਗਾ, ਆ ਬੈਰਾਗ ਵਾਲਾ ਭੇਸ ਤੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰਦਾ ਜਾਏਗਾ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ? ਲਿਓ ਪੇਖ ਬੈਰਾਗ, ਲਿਓ ਪੇਖ ਬੈਰਾਗ, ਕਉ ਨਾਨਕ ਸੁਣ ਰੇ ਮਨਾ ਤੇ ਨਰ ਮਾਥੈ ਪਾਗ, ਕਉ ਨਾਨਕ ਸੁਣ ਰੇ ਮਨਾ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸੁਣ ਰੇ ਮਨਾ ਤੇ ਨਰ ਮਾਥੈ ਭਾਗ, ਮਾਥੈ ਕਹਿੰਦੇ ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਉਹਦੇ, ਉਜਵਲ ਭਾਗ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਵਿਖਿਆ ਨੂੰ ਤੱਜ ਕੇ ਆ ਭੇਖ, ਇਹ ਬੈਰਾਗ ਵਾਲਾ ਭੇਖ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਭੱਜ ਜਾਣਾ ਇਹ ਬੈਰਾਗ ਨਹੀਂ, ਗ੍ਰਸਤੀ ਤੋਂ ਭੱਜ ਜਾਣਾ ਇਹ ਬੈਰਾਗ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਔਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਣਾ, ਆਪਣੇ ਔਗੁਣਾਂ ਤੋਂ ਭੱਜ ਜਾਣਾ ਆ ਬੈਰਾਗ ਵਾਲਾ ਭੇਖ ਹੈ। ਆਪੋ ਸਤਨਾਮ। ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਹਿਬ ਅਗਲੇ ਸਲੋਕ ਚ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ? ਜੇ ਮਾਇਆ ਮਮਤਾ ਤੇ ਜੀ, ਜੇ ਮਾਇਆ ਮਮਤਾ ਤੇ ਜੀ, ਸਭ ਤੇ ਪਿਓ ਦਾਸ, ਸਭ ਤੇ ਪਿਓ ਦਾਸ। ਪਿੱਛੇ ਵਿਖਿਆ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਇੱਧਰ ਮਾਇਆ ਦਾ, ਤੇ ਬੜੀ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਖਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ। ਸੁਣਿਓ, ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਖਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੋੜਿਆ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕਦੇ, ਗੁਰਮਤ ਨੇ ਕਦੇ ਮਾਇਆ ਦਾ ਤਿਆਗ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ ਜੀ, ਕਦੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ ਮਾਇਆ ਤਿਆਗ ਦੇ। ਹਾਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਵਾਰ ਵਾਰ ਬੋਲਿਆ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਅਗਵਾਈ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਮਾਇਆ ਦਾ ਮੋਹ ਤਿਆਗ ਦੇ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਮਾਇਆ ਦੀ ਪਕੜ ਤਿਆਗ, ਮਾਇਆ ਦੀ ਪਕੜ, ਆ ਜਿਹੜੀ ਪਕੜ
ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਸਿੱਖ ਕੋਲ ਮਾਇਆ ਰਜਵੀ ਹੋਵੇ, ਰਜਵੀ, ਪਰ ਉਹਦੀ ਮਾਇਆ ਜੇਬ ਤੱਕ ਰਵੇ, ਖੀਸੇ ਤੱਕ ਰਵੇ, ਹਿਰਦੇ ਜੇ ਆ ਕੇ ਨਾ ਬਹਿ ਜਾਵੇ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਹਿਰਦੇ ਜੇ ਆ ਕੇ ਨਾ ਬਹਿ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਮਾਇਆ ਹਿਰਦੇ ਚ ਬਹਿ ਗਈ, ਓਏ ਬੋਲਣ ਦਾ ਚੱਜ ਭੁੱਲ ਜਾਏਗਾ, ਸੱਚ ਦੇ ਵਰਤਣ ਦਾ ਚੱਜ ਭੁੱਲ ਜਾਏਗਾ, ਉੱਠਣ ਬੈਠਣ ਦਾ ਚੱਜ ਭੁੱਲ ਜਾਏਗਾ, ਹੰਕਾਰੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਆਪਾਂ ਸਤਨਾਮ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਮਾਇਆ ਮਮਤਾ ਤਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਮਾਇਆ ਦੀ ਮਮਤਾ ਤਜਦਾ, ਮਮਤਾ ਤਜਦਾ ਪਕੜ ਨੂੰ ਸਤ ਸੰਗਤ, ਇਹ ਬੱਚੇ ਕੀ ਨੇ? ਮਾਇਆ ਦਾ ਰੂਪ ਹੀ ਨੇ। ਗ੍ਰਸਤੀ ਕੀ ਹੈ? ਮਾਇਆ ਦਾ ਰੂਪ ਹੀ ਹੈ। ਕਾਰੋਬਾਰ ਕੀ ਹੈ? ਮਾਇਆ ਦਾ ਰੂਪ ਹੀ ਹੈ। ਆ ਜਿਹੜੀ ਸੀਟਾਂ ਸਤ ਸੰਗਤ, ਕੁਰਸੀਆਂ, ਰੁਤਬੇ, ਇਹ ਕੀ ਨੇ? ਮਾਇਆ ਦਾ ਰੂਪ ਹੀ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਵਿਚਰ ਮਾਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਤੋਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਵਿਚਰਨਾ ਪੈਣਾ, ਗ੍ਰਸਤੀ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਨਾ ਪੈਣਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਨਾ ਪੈਣਾ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀਆਂ 'ਚ ਵਿਚਰਨਾ ਪੈਣਾ, ਜਿਹੜੇ ਅਹੁਦੇ ਮਿਲੇ ਨੇ ਉਸ ਅਹੁਦਿਆਂ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਵਿਚਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਪਰ ਮੋਹ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ, ਮੋਹ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ, ਪਕੜ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ, ਜੇ ਪਕੜ ਹੋਏਗੀ ਫਿਰ ਰੋਣਾ ਪਏਗਾ। ਜਿੱਥੇ ਪਕੜ ਹੈ ਉੱਥੇ ਰੋਣਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਪਕੜ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਖੇੜਾ ਹੈ। ਆਪ ਸਤਨਾਮ। ਉੱਥੇ ਖੇੜਾ ਹੈ ਸੱਸ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬੜੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਸਮਝਾਉਣਾ ਕੀਤਾ, ਆਪਣੇ ਤੇ ਢਾਲ ਕੇ। ਸਾਈਂ ਕਹਿੰਦੇ ਏਦਾਂ ਪਕੜ ਨੂੰ ਛੱਡ, ਏਦਾਂ ਪਕੜ ਨੂੰ ਛੱਡ, ਏਦਾਂ ਪਕੜ ਨੂੰ ਛੱਡ। ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਕਦੇ ਪਕੜ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ, ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ, ਜਿਸ ਅਨੰਦਪੁਰੀ ਨੂੰ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਵਸਾਇਆ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵਸਾਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾ। ਨਹੀਂ, ਲੋੜ ਪਈ ਛੱਡਤਾ, ਛੱਡ। ਆ ਚਾਰ ਪੁੱਤਰ ਮਿਲੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭ ਲਵਾਂ ਤੇ ਖਾਲਸਾ ਮਰਵਾ ਦਿਆਂ? ਨਹੀਂ। ਦੋ ਚਮਕੌਰ ਚ, ਦੋ ਸਰਹੰਦ ਚ ਅਮਾਨਤ ਵਾਪਸ ਕੀਤੀ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਡਿੱਗੇ, ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਾ ਜਾਮ ਪੀਤਾ, ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਦੱਸੋ ਉਦੋਂ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਦੀ ਕੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਸੀ? ਕੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਸੀ? ਉਹ ਬੁਰਜ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਜਕਾਰਾ ਛੱਡਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਪੁੱਤ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਪਿਤਾ ਜਗਾਰੇ ਛੱਡ ਰਿਹਾ। ਆਪੋ ਸਤਨਾਮ। ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੇਲੇ ਵੀ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਦੋਨੋਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਨੀਹਾਂ 'ਚ ਚਿਣੇ ਗਏ, ਨੂਰੇ ਮਾਈ ਨੇ ਆ ਕੇ ਜਦੋਂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਾ, ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਉਦੋਂ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਖਬਰ ਮਿਲੀ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਨੀਹਾਂ 'ਚ ਚਿਣ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਤਾ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਜਕਾਰਾ ਛੱਡਿਆ ਸੀ। ਆਪੋ ਸਤਨਾਮ। ਤੇ ਸੀਸ ਝੁਕਾ ਕੇ ਤੇ ਸੀਸ ਝੁਕਾ ਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਤੇਰੀ ਅਮਾਨਤ ਅਦਾ ਹੋਈ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਸੱਸ ਪਕੜ ਤੋਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਕੜ ਵਿੱਚ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਸੱਟ ਲੱਗ ਜਾਵੇ, ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਆਂਦਰਾਂ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਆਉਣ ਨੂੰ ਪੈ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਏ, ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੀਆਂ ਨੀਂਦਰਾਂ ਆਉਣ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਪਕੜ। ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ। ਦਵਾ ਦਾਰੂ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ। ਪਰ ਅੰਦਰਲਾ ਟਿਕਿਆ ਰਵੇ, ਅੰਦਰਲਾ ਨਾ ਡੋਲੇ, ਅੰਦਰਲਾ ਨਾ ਥੜਕੇ, ਅੰਦਰਲੇ ਖੇੜੇ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹਿਣ, ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਰਹਿਣ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਘਾਟੀ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਹ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਅਵਸਥਾ। ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰੋ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ,
जे अज तेरी ए बाणी सुन रहे हैं आ कृपा कर किधरे ए रहमत भरी अवस्था मेरी झोली विच भी पा दे आखो सतना जे माया ममतात जी जे माया ममतात जी सब ते पयो दास सब ते पयो दास माया दा मोह होर 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 दा मोह सानू मरवा देंदा है माया दा मोह बंधना च पा देंदा मेरे सतगुरां ने एक बड़ी प्यारी मिसाल दे के समझाया पता की कहिंदे ने मरकट मुष्टि अनाज की मन बौरा रे लीनी हाथ पसारे मरकट मुष्टि अनाज की मन बौरा रे लीनी हाथ पसारे छूटन को सैसा परया मन बोरा रे नाचे ओ कर कर बारे छूटन को सैसा परया मन बोरा रे नाचे ओ कर कर बारे एक बंदर दी एक बंदर दी मिसाल दिती बंदर नू जेड़े मदारी ए पता किवें फड़दे ने बंदर नू किवें फड़दे ने बड़ा तगड़ा जाल बुनदे ने जी किवें एक घड़ा लैंदे ने जिहदा मूह जिहड़ा है ना बहुत भीड़ा जिहा बहुत भीड़ा उहदे च भुज्जे चने पा दिंदे ते धरती ते नप दिंदे ते जिहड़ा उपरला मूह है बहुत भीड़ा मूह हुंदा सच खाली इदां बज इदां हथ अंदर जा सकदा ध्यान दे ते मिट्टी च नप देंदे ने मूह खाली उपर रहिंदा जदों बांदर नू खुशबू आंदी है ना भुज्जे चने भजिया आंदा ते मुठ्ठी अंदर पा लैंदा हुण अंदर मुठ्ठी तां गई उहने भर ली छोलियां दे नाल हुण जदों मुठ्ठी भर ली मुठ्ठी हो गई सात संगत वड्डी मूह सी छोटा हुण बाहर कढ़ना चाहुंदा हथ कढ़ नहीं पा रहा ओ भोला ये नहीं समझदा पिया मैनू पकड़न वास्ते मैनू बंधन पाण वास्ते ये जाल बुनिया गया अगर काश वह समझ लैंदा छड़ देंदा मुठ्ठी छोटी करके हाथ बार करके भज जांदा बस पकड़ने मार दिता ना जी पकड़ने पकड़ा दिता उन्हें पकड़ने मरकट मुष्टि अनाज मरकट कहिंदे ने बंदर मुष्टी अनाज की कहिंदे ओ मुठ्ठी भर छोले वास्ते की कीता अपने आप नूं बंधन पवा ले मरकट मुष्टी अनाज की मन बौरा ले लीनी हाथ सार मर गया ते अगे की कहिंदे ने कहिंदे छूटन को सैसा भरिया मन बौरा रे छूटन को सैसा भरिया मन बौरा रे नाचियो कर कर बार हुण फड़िया गया बनिया गया हुण सासगण घर घर जाके नचदा फिरदा पिया एक मुठ्ठी चने पिछे आखो सतनाम इदां ही मन बौरा रे मन बौरा दो वारी समझाया वो झले मन वो बांदर दी तरह ना बन बांदर दी तरह ना बन तू माया नू वरत माया वरतन वास्ते मना नहीं कीती तू माया नू वरत माया दी पकड़ तो बाहर निकल आखो सतनाम माया है ही वरतन वास्ते वरत माया नू पर पकड़ तो बाहर निकल जे पकड़ी रखेगा फस जाएगा वो बांदर वांग फस जाएगा ते अज फसे ही होए अज सासगर की होंदा घर घर जाके फिर सात संगत मंगदे फिरदे दर दर ते मंगदे फिरदे दर दर ते गुलाम होए पे हैं जी साई कहिंदे ने जे माया ममतात जी जे माया ममतात जी सब ते पयो दास सब ते पयो दास सब ते पयो
नानक सुन रे मना ते कट ब्रह्म निवास कौ नानक सुन रे मना ते कट ब्रह्म निवास जे प्राणी हो मैत जी जे प्राणी हो मैत जी करता राम पछान करता राम पछान पहले बिखिया जहर फिर माया हुण इस श्लोक च की कह रहे ने होमे तजी आखो सतनाम जे प्राणी होमे तजी करता राम पछान इत्थे सतसंगत बड़ी समझण दी लोड़ है बड़ा भयानक रोग है ये होमे दा मैं ये होमे दा रोग किस कारण करके जी किस कारण करके बंदे अंदर आंदा पता जदों बंदा अपने आप नू करता समझ लवे आखो सतनाम करनहार समझ लवे मैं करदा मैं की मैं जदों तक मैं मेरी जे है होमे च बनिया ते होमे वाला कदे तरेगा नहीं सात संगत होमे वाला सदा डुबे सदा डुबे साई कहिंदे ने जे प्राणी होमे तजी करता राम पचान एक राम नू एक वाहिगुरु जी नू करता करके जाने बड़ी प्यारी अवस्था है पर किसी विरले नू मिलती बड़ी प्यारी अवस्था पर मिलती बड़े सात संगत विरले सतगुरु जी ने बड़ा प्यारा फैसला दिता कहिंदे जेड़ा बंदा अपनी होमे खत्म कर दे कहिंदे मुक्त हो गया आखो सतनाम बंधना तो मुक्त हो जाता है वाहिगुरु जी की बख्शिश का पात्र बन जाता है बंदा कहिंदे जी फिर होमे खत्म किवें होएगी सतगुरु जी ने बड़ा सरल जिहा उपा दस्सिया बड़ा सरल जिहा उपा दस्सिया अति पंक्ति च आ कहिंदे ने जे प्राणी होमे तजी जेड़ा प्राणी होमे तजी छड़दा है अगो सवाल होया जी किवें छड़ा कोई जुगती ते सतगुरु जी कहिंदे बड़ी प्यारी जुगती है बड़ी सौखी जी जुगती कहिंदे करता राम पछाण आखो सतनाम तू करता राम नू पछाण करनहार वाहिगुरु जी नू पछाण अपने आप नू करता क्यों कहिंदा फिरदा मेरा घर मेरे बच्चे मेरा कारोबार मैं बड़ी मेहनत नाल खड़ा कीता मेरी गड्डी क्यों जी क्यों नहीं नहीं ए मनमुख की दशा है यह मनमुख की दशा है मनमुख कहिंदा मैं कीता आ कहिंदे नहीं सतगुरु कहिंदे आ मनमुख की दशा सुन की कहिंदे जी हम किया हम करेंगे हम मूर्ख गवारे हम मूर्ख गवारे करने वाला विसरिया दूजे पाए प्यारे करने वाला विसरिया दूजे पाए प्यारे कहते हम किया हम करेंगे हम मूर्ख मनमुख की निशानी एक डा के इतना खड़ा हो जाता जी मैं कीता हम किया हम साहब कहते हो मूर्खा आ की बोली जाना करने वाला जिन्हें कीता सी काम हां इस शरीर ने मेहनत जरूर कीती है ध्यान देना इस शरीर ने उद्यम कीता है ये शरीर मेहनत कर सकता है उद्यम कर सकता है पर मैनू एक गरंटी नाल गल दसो सारे शरीर जितने भी शरीर उद्यम कर रहे ने
जितने शरीर मेहनत कर रहे ने, जितने शरीर हड बन रहे ने, कि सारे ही सुखी ने? दसो भाई, सारे सुखी ने? नहीं। मेहनत कर सकते हैं, मेहनत साढ़े हाथ, उद्यम कर सकते हैं साढ़े हाथ, पर जड़ा फल है ना कि साढ़े हाथ नहीं है, फल करते दे हाथ है को सतना करने वाला विसरिया उन्होंने विसार दिता, तो सोचता कि फल मेरे करके है, हम किया हम करेंगे, हम मूर्ख गावार, करने वाला विसरिया। दूजे भाए यार, दूजा भाए कहिंदे ने माया दा मोह, आ सृष्टि दा मोह, मैं दा मोह सस नहीं, दूजे भाए पिया, ये तो सी मनमुख। हुण जिहड़ा गुरमुख है, जिहड़ा गुरमुख, जिहड़ा गुरु की मत नाल लैके चल रहा, पता वह की कहिंदा, वह भी कुछ बोलिया। मनमुख तो यह बोले ना, हम किया हम करेंगे, है जी, तो गुरमुख भी कुछ बोलिया। गुरमुख पता की बोलिया, कबीर ना हम किया ना करेंगे, ना कर सके शरीर, ना हम किया ना करेंगे, ना कर सके शरीर, क्या जानो किछ हरे किया, भयो कबीर कबीर, क्या जानो किछ हर किया, भयो कबीर कबीर। जेड़ा गुरमुख है वो कहिंदा भाई मैं कुछ नहीं कीता, एवें मेरे नाम दे डंके वजी जांदे ने, आखो सतनाम, वाहिगुरु, ना हम किया ना करेंगे, ना कर सके शरीर। ओ गुरमुख दा यह बोल बैठा, मेरा शरीर भी कुछ नहीं कर सकता, शरीर भी मेरा कुछ नहीं कर सकता, जे ओदी मौज ना होवे आखो सतनाम, वाहिगुरु, जे ओदा इशारा ना होवे, जे ओदी रहमत ना होवे, जे मेरा शरीर ही मंजे ते पै गया, था करदा एक दौरा आया, पैरालाइसिस दा अटैक आया, हाथ पैर खत्म, जबान खिंची गई, दोनों हाथ खिंचे गए, पैर खिंचे गए, लोथ दी तरह पिया होया, कर लै हुण काम जिहड़े करने नहीं, आखो सतनाम, कर लै जिहड़े काम करने नहीं, करता बनिया, हम किया हम करेंगे, कर हुण, हुण क्यों नहीं करदा, हुण हंजू वगांदा कर। मैं याद है रिश्तेदारी दे विच, साडी रिश्तेदारी दे सत्संग, एक शरीर थुक सी उहदी सत्संग थुक चलदी सी, जथेदार घुमांदे सी अपने जथेदार थुक सी, जदों चलदी सी ना पूरी बंदा समझदे कोई, रज निंदिया करनी सत्संग महापुरखां दी, कदे किसी गुरमुख की, कदे किसी गुरमुख की, कदे किसी गुरमुख नहीं बख्शिया किसी, और सारे ने समझाना जी कानू निंदिया खांदे, क्यों गुरमुखां दी निंदिया खांदे, वो कहंदे नाटक फलाना टमकाना। किसी गुरद्वारे के प्रधान भी सीगे जी, और गुरद्वारे के प्रधान नहीं, बड़ी एसोसीएशन के प्रधान सी, जिहड़ा चौधरी बंदा हुंदा ये बड़िया प्रधानगियां लभदा फिरदा सत्संग, जथेदार मैं ना नहीं लेना, जथेदार अगे जिहड़ा सिंह सी, हां जी, ओ बाबे ने मारिया, ओ बाबे ने मारिया सत्संग, मैं अखी वेखिया, अखी वेखी, बावां ताकत खत्म, पैर दी ताकत खत्म, जबान खिंची गई, करोड़ां दी जायदाद ये भी नहीं दस सकते पे जबान तो कित्थे कित्थे रखे ने कागज, ते कित्थे कित्थे माया पई, लिख के भी नहीं दस सकते पे, हाथ नहीं चलते पे, कर लै हुण, कर लै कम, जितनी माया धरी दी धरी सात संगत, वो जिथे धरी धरी रह गई, बच्चियां नूं पता तक ही नहीं लग सके, जिहड़ा बच्चियां दी निगाह जो तो लग गया पता, पता नहीं कितना कुछ उन्हां दे अंदर ही राज दफन हो गया, आखो सतनाम, उठन ही नहीं दिता महाराज, जदों दास मिलन लई गया मैनूं सीन नहीं भुलदा, वह सीन नहीं भुलदा, अज भी नहीं भुलदा, जदों मिलन लई दास गया तो मैनूं दूरों ही जदों वेख्या भर होके रोना शुरू करता,
बड़ी उची उची रोना शुरू कर। मैं कोल आया हाथ पकड़िया, मैं क्या प्यारे हो प्यो रोंद हो, ऐ टहा मारो इधर सिर हिला इधर, मतलब मन पश्चाताप करते पे ने, मैं बड़े गुनाह किए बड़े गुनाह। मैं मन च सोचता सी आ बंदा मनाण ते आवे ना, बड़े बड़े ढंग उन्हों आंदे ने, बड़े बड़े ढंग, हम किया हम करेंगे, हुण कर कर हुण पाता लम्मा कुब्बा मार मार रोंदे पे, ना हाथ चल रहे ना पैर ना जवान चल रहे, इदा इदा गल नहीं प्यारे हो। करने वाला विसारो ना, बाबा कबीर जी वाली पढ़ाई पढ़ी कबीर, ना हम किया ना करेंगे और ना कर सके शरीर। बंदा कहिंदे शरीर मेरा है, चलो ताकत होती नहीं, दास ते थोड़ी देर पहले बोली सी ना आ गल कि उत्तम असी कर सकते हैं, आ गल मैं हुणे बोली सी, उत्तम कर सकते हैं मेहनत कर सकते हैं, पर बाबा कबीर जी ने तो इतने तक कह दिता कहते असी उत्तम भी नहीं कर सकते, आप सतना वो छो मेहनत भी नहीं कर सकते, जे ओ कराण ते ना आवे आप सतना, जे ओ मेहनत कराण ते ना आवे ना उत्तम कराण ते उत्तम भी नहीं कर सकांगे, पा देगा लम्मा की कर लांगे की कर लांगे। सब कुछ वसगत साहेब है, ओदे वस विच है सब कुछ सत संगत जी, इसलिए मनमुख बिरती कहती हम मैं गुरमुख बिरती कहती है तू, बस पढ़ाई यही पढ़ाई यही। तो मेरे सतगुरु जी कहते हैं जे प्राणी हो मैं ते जी, जे प्राणी हो मैं ते जी, करता राम पछाण, करता राम पछाण, हाँ जी करता राम पछाण, बड़ी औखी है जी, बड़ी औखी बड़ी औखी। मेरा मन करता हर श्लोक नूं ना पूरी तरह खोलीए, खाने च पै जाए गल, भावें एक श्लोक घट विचार हो जाए पर जिहड़ी श्लोक दी विचार खाने च। दास इतिहास पढ़ रहा सी, बाबा श्याम सिंह जी आटा मंडी वाले दरबार साहब, हाए हाए धन जीवन धन जीवन, मुल्लों ही होमे नू मारिया, मुल्लों ही मारिया। जदों लोकां ने उन्हां नू बाबा जी संत जी महापुरख इदां दियां मतलब लफ्जां दे नाल निवाजना शुरू कीता ते अंदरों सात संगत खिज मच गई महापुरखां, ते सानू कोई बाबा कहता दे बाबा जी ओए ओए इदां जोड़े होए फिरदे, बाबा जी कहता सानू, बाबा जी कहता संत जी कहता सन, बड़ी सासंग गंदी रीत ये साढ़े पंजाब, थोड़ा जा कोई धार्मिक चोले वाला बंदा वेख लो बाबा जी बाबा जी बाबा, दास नूं किन्ने फोन आ, पहले तो सासंगत पहली गल मेरी ये होंदी है मैनू वीर जी बोलो, जो फोन बाबा जी ऐदा, मैं क्या बाबा जी बाबे कादे बन गया, खुद बाबे कादे बन गया, एडा प्यारा नाम है भाई साहब, भाई साहब वीर जी। अच्छा कई जल समझा दी पहले वीर जी बोल, हाँ जी हाँ जी वीर जी, हाँ जी दसो की गल, जो सारी गल करने बाद नाल ही बाबा जी फिर इदा गल बन गई, मैं कह लै दस नहीं नहीं सुधरता बंदा, वो बाबे भी की कर बाबे भी की कर, आ जी जनता साध संगत यही आम बंदे चुके बाबा बनाई जाती, किसी अंदर गुण नहीं पुन नहीं कुछ नहीं, फिर उन्होंने बाबा चुके बना, अज बाबा बनन वाले तो शायद घट होणगे, बनाने वाले बड़े बैठे हुए ने, आगो सा पुठी रीत ही तुरी पई, शायद बाबा बनन वाले घट होण बनाने वाले बड़े बैठे ने, माड़ा जिहा कोई नितनेमी हो जाए ना अमृत वेले जागण बाबा जी एडा सौखा करता इस शब्द नूं, एडा सौखा करता शब्द, बाबा शब्द बड़ा पवित्र है, आम जने खने वास्ते नहीं वरत्या जा सकता, बाबा कमाइया वाले वास्ते सत संगत
जिन्हां ने घालनावां घालियां ने, जिन्हां दे जीवन ने वीर जी क्या करो भाई साहब क्या अंदरां तो उस दास नूं खुशी होंदी है सास नूं जदों दास नूं कोई वीर जी कहिंदा है जदों दास नूं भाई साहब कहिंदा है अंदरां तो मैनूं खुशी होंदी मैं गुरु दे सन्मुख कह रहा मैं गुरु के सन्मुख कह रहा सास नूं सच कह रहा सच और ये चैनलों राही भी गल जा रही है जिथे भी असीं बाहर जांदे ना बाबा जी बाबा ना इन्ना सौखा लफ्ज ना बनाओ बाबा जी जिहड़े बाबा जी ने उन्होंने कहो बाबा भाई सानू वीर जी आ बहुत सोहना शब्द या भाई साहब आ बड़े प्यारे शब्द बाबा श्याम सिंह जी सात संगत कमाल ही कमाल मतलब जदों इन्होंने सुनना ना बाबा अंदर तकलीफ होनी है तकलीफ मतलब एक बंदे नूं खुशी होनी उन्हां नूं तकलीफ होनी ते एक दिन की कीता अमृत वेले कहिंदे देग तैयार करो देग तैयार कीती देग तैयार करवा के संगत इकट्ठी कर ली संगत इकट्ठी करके कहिंदे आ जाओ ते संगत जी नूं इदां हथ बन अरदास करन लगे बेनती कीती कहिंदे संगत जी मेरी अरदास करो अज मेरी अरदास करो गुरु ग्रंथ साहिब अगे सारिआं ने कहा महाराज की अरदास करो कहिंदे अज आ अरदास करो कि अज तो बाद सानू बाबा नहीं बोलोगे आखो सतनाम सानू संत नहीं बोलोगे सानू महापुरख नहीं बोलोगे अरदास देख करा के अरदास करवा रहे मूलो ही मैं हटाया होया मूलो ही कई तो नाटक चेटक ही करते ने ना 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 सानू बाबा ना बोलो जी पर चाहते ने मैं मैं बाबा बोल देख करा के अरदास एक बार का जिक्र है श्री अमृतसर साहब तो अपने स्थान वाल जा रहे नवा स्थान सत्संग आटा मंडी के एक सरां तैयार हुई धर्मशाला तैयार हुई तो जो धर्मशाला के सन्मुख आए ना तो किसी ने बोर्ड लगा दिता उन्हें समय के उस बोर्ड से लिखा होया सी धर्मशाल संत बाबा श्याम सिंह जी आपो सतनाम जो इन्ना उन्होंने पढ़िया धर्मशाल संत बाबा श्याम सिंह जी ओहो जिवें सती परी अग नहीं लग जाती जी सड़ गया अंदरला उथे ही खड़े खड़े कहते किन्ने बोर्ड लाए किन्ने बोर्ड लाया संत बाबा धर्मशाल संत बाबा श्याम सिंह जी ये श्याम सिंह की धर्मशाल है ये श्याम सिंह की धर्मशाल है कहते गुरु नानक की धर्मशाल है ये गुरु नानक की लाओ बोर्ड उसी वेले बोर्ड उतरवाया और बोर्ड के उपर की लिखवाया कहते लिखो बोर्ड दे आ बोल सन ध्यान सुनो जेडे दास ने किताब च पढ़े मैं हैरान हो गया सास की बोल लिखवाया लिखो आ की बोल लिखवाए जी जय 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 श्री अमृतसर जी की धर्मशाल श्री गुरु नानक देव जी की आखो सतनाम अमृतसर दी जय अमृतसर दी जय ते धर्मशाल बाबे नानक दी आखो सतनाम धर्मशाल बाबा नानक जी की कहिंदे इत्थे तुसीं लिखदा धर्मशाल संत बाबा श्याम सिंह जी वो ये करता हो गया ये मालिक हो गया श्याम सिंह नहीं कहिंदे जय जयकार होवे इस शहर दी ते धर्मशाल धर्मशाल कहिंदे मेरे बाबे नानक दी आखो सतनाम सत्संग आ निवरता अनिवरता है सत्संग अनिवरता सतगुरु जी कहिंदे जे प्राणी हो मैं ते जी करता राम पछान जे प्राणी हो मैं ते जी करता राम पछान कहो नानक वो मुक्त नर ए मन साची मान कहो नानक वो मुक्त नर ए मन साची मान साहिब कहंदे ओ नर नू मुक्त समझ ए मन तू सच्ची गल समझ ले तू सच्ची गल समझ ले कहो नानक वो मुक्त नर
ਰੱਖੇ ਮਨ ਸਾਚੀ ਮਾਨ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਵੋ ਮੁਕਤ ਨਰ ਹੇ ਮਨ ਸਾਚੀ ਮਾਨ ਗੁਣ ਗੋਬਿੰਦ ਗਾਇਓ ਨਹੀਂ ਜਨਮ ਅਕਾਰਤ ਗੀਤ ਗੁਣ ਗੋਬਿੰਦ ਗਾਇਓ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਹਰ ਪਜ ਮਨਾ ਜੇ ਵਿਦ ਜਲ ਕੋ ਮੀਨ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਹਰ ਪਜ ਮਨਾ ਜੇ ਵਿਦ ਜਲ ਕੋ ਮੀਨ ਗੁਣ ਗੋਬਿੰਦ ਗਾਇਓ ਨਹੀਂ ਜਨਮ ਅਕਾਰਤ ਕੀਨ ਕਹੋ ਗੋਬਿੰਦ ਗਾਇਓ ਗੋਬਿੰਦ ਗਾਇਓ ਨਹੀਂ ਜਨਮ ਅਕਾਰਤ ਕੀਨ ਗੁਣ ਗੋਬਿੰਦ ਗਾਇਓ ਨਹੀਂ ਜਨਮ ਅਕਾਰਤ ਕੀਨ